ये लोग समझते क्या है, मैं भी अब इन लोगों के साथ कभी नहीं खेलूंगा। मेरे पास मेरा अपना ही एक्शन कैमिल ही नहीं, बस उसी के साथ खेलूंगा, वही है मेरा अपना पक्का दोस्त। देखता हूँ अगर ये लोग भी मेरे एक्शन कैमिल के साथ खेलने आए तो मैं भी खेलने नहीं दूंगा। अरे यार सिंचन, फिर से लड़ाई हो गया क्या तेरे दोस्तों के साथ? हाँ हाँ, आज का लड़ाई और कल फिर उसी दोस्तों के साथ तुझे खेलना जाना होता है ना। आपको क्या हुआ तो? लेकिन आज उन लोगों ने कुछ ज्यादा कर दिया, मुझे गेम से निकाले। मुझे मैंने क्या किया था, एक बात तो मारा था, गेम खेलते हुए एक बात तो बनता ही नहीं। अरे यार ये तो रोने लग गया भैया। यार ये छोटे को तो यार कोई समझाओ। ओए यार तू भी जब छोटा हुआ करता था ऐसे ही सिंचन की तरह रोता था। अरे यार भैया मैं और इस सिंचन की तरह? ओए तू तो बिना चट्टी का रोता था। ओके अरे यार भैया बच्चों के सामने क्या कुछ बोल रहे हो। चलो चलो टॉपिक चेंज करो और गेम को शुरू करो। अरे यार लेकिन ये टॉपिक तो मेरा सबसे यार बेस्ट टॉपिक हुआ करता है यार। ओए बोले तो अपना बचपन की यादें। ओए यार कसम से यार उन दिनों को सोचता हूँ तो यार आग भर आती है। अरे यार भैया बिल्कुल यार, मेरे भी बहुत सारे दोस्त हुए करते थे बचपन में। हम खूब मस्ती करते थे यार, और गर्मियों के छुट्टी में तो हर रोज तालाब में नहाने के लिए जाना और यार खूब सारी मस्ती करना भैया। बोले तो यार बचपन की यादें तो एकदम बेस्ट हुआ करता है यार। हाँ वो बिल्कुल अभी जो सिंचन करता है ना अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल। लेकिन यार आजकल के जनरेशन के पास एकदम मोबाइल वोबाइल टेक्नोलॉजी आ चुका है, इसीलिए ये लोग ज्यादा कुछ घूमते नहीं। यानी कि यार हमारे जैसे तो नहीं घूमते होंगे, यानी कि होगी यार अपने दिन में तो तेरा भाई यार रात तक घर नहीं आता था दोस्तों के साथ, बस खेला खेला खेला। हाँ यार भैया, और यार ये सिंचन को तो देखो, हम बिल्कुल यार भैया अपने दोस्तों के साथ लड़ाई करते थे तो ऐसे रोते हुए घर आते थे ना। बोले तो आप लोग भी रोते थे जब आपके दोस्तों के साथ इकट्ठे होते थे अंकल? ओए बिल्कुल यार बिल्कुल तेरी तरह। और यार लेकिन वो सब एक दो दिन के लिए ही होता था, वो सब तो यार दोस्ती में चलता है ना यार। हे बिल्कुल, यानी कि मैं तो अपने दोस्तों के साथ लड़ाई करके आया हूँ, लेकिन मेरे लिए नहीं चलेगा, मैं तो आपसे उन लोगों के साथ कभी बात नहीं करने वाला। हाँ हाँ यार वो तो कल सुबह ही पता चलेगा है ना भैया। देख लेना कल सुबह, मैं कल सुबह भी उन लोगों के साथ नहीं भूलूंगा, बस मैं भूल ले जाऊँ की उन लोगों के साथ मैंने इकट्ठी किया ही नहीं तो मैं कभी नहीं भूलूंगा। जब तक मैं नहीं भूलूंगा तब तक मैं नहीं भूलूंगा। हाँ हाँ तेरा ये इकड़ी कब तक रहेगा वो तो हम देख ही लेंगे ना। बिल्कुल यार अगर तू नहीं बोलेगा तो उसमें तेरा ही घाटा है, वो लोग तो खेलेंगे मस्ती होके और तू अकेला रह जाएगा सिंचन। मैं अकेले कैसे रहूंगा, मेरे साथ मेरा एक्शन कैबिन ही, मेरा ये फ्री फायर ही, मैं खेलूंगा आप लोग के साथ खेलूंगा। अरे यार हम तो दोपहर में ऑफिस चले जाते हैं तो तू कैसे खेलेगा? बस अकेले फ्री फायर अकेले एक्शन कैबिन के साथ कब तक खेलेगा? ये बात भी है, लेकिन इस बार मैं उन लोग के साथ कभी नहीं बोलने वाले। देखता हूँ मैं भी, अगर वो लोग बोलने आए तो फिर भी मैं नहीं बोलूंगा। अगर कुछ ज्यादा ही बोले तो इस बंदे को मारना, मेरे जिस तरीके से उन लोग को भी मारूंगा। अरे यार फ्री फायर को सीरियस मत ले, ये बस एक गेम है और तेरा दोस्त तो वो कजामा है ना। उसने भी आज मेरे साथ कट्टी कर लिया, उसको तो मैं चलो देख लूंगी। उसकी तो मेरे को पांच बार बोल रहा था, खुद को तो देखो हर बार उसका नाक बेहतर रहता है, खुद को पहले देखता नहीं और मुझको पंचो बार बोलता है। यार लेकिन सिंचन तेरा बात बहुत कड़वा है यार, तुझे थोड़ा सा बात अपना कंट्रोल करना होगा यार, नहीं तो सच में तेरे दोस्त कभी नहीं बोलेंगे तेरे साथ। हाँ यार भैया अगर यार कल ये भूल के फिर से अपने दोस्तों के साथ चला गया खेलने के लिए, वो लोग तो यार इसका तो नहीं बजा देंगे, क्योंकि ये जो पाता है ना। अरे यार लड़के दोस्तों के साथ तो पाता है वो तो ठीक है, लेकिन कोई लड़की दोस्तों के सामने मत पात देना, क्योंकि यार वो लोग तो काफी यार एकदम चुगली खोर होते हैं, अगर तूने चूहा जितना पाता तो वो लोग हाथी जितना पात बना देंगे तेरा। मैं लड़की दोस्तों के साथ नहीं पाते अंकल, आपकी तरह नहीं हूँ मैं। यार आपकी तरह बोल के यार मुझे तो ऑगी का एक यार मेमोरी याद आ गया छोटे का। अरे यार भैया कौन सा वाला? ओए वही जो पैड पे हग्गू वाला। हाँ भैया वो वाला मत बताइए।
कंजू वाले पेट पे यही बताइए ना कि कल कैसे वाला है वो दिन। अरे यार भैया छोड़िए ना वो सब बातें, चुपचाप बैठ मुझे कहने दे। ओए यार सिचेन, वो दिन सोचता हूँ तो मेरा अभी भी पेट में दर्द होता है यार। अरे यार भैया तो आप कहने वाले हो गया। ओए यार सच में मैं कह ही डालूंगा ये तो आज। हे कहिए ना, इस बात के लिए एक लाइक भी हो जाए, इस लाइक के लिए कह दीजिए कि किल। ओए तो चल मैं कह ही देता हूँ। एक दिन का बात था जो कि मेरे को यार इसके दोस्त ने बताया था, ये लोग लुका छुपी खेल रहे थे और यार लुका छुपी खेलते खेलते एक बार ओली को सभी को पकड़ना था और यार ओली तो गिनती करने लगी थी यानी कि इन लोग को छुपना था, तो यार सब लोग छुपने के लिए चले गए लेकिन ओली पता किधर चला गया। नहीं यार बिल्कुल ऐसा नहीं था, उस वक्त ये बहुत शर्माता था, ये यार झाड़ियों के पीछे चला गया। झाड़ियों के पीछे इसमें क्या मैच हो गई तू? अरे यार भैया मत बताइए ना। ओए यार असली बात तो इसके बाद है। ओए यार ये झाड़ियों के पीछे लुका छिपी खेलते वक्त, ओए यार झाड़ियों के पीछे ये बैठ गया हंकने के लिए। ओए सो सिंचन हंकने के लिए हंकने के लिए वो भी लुका छिपी खेलते खेलते। इसमें टॉयलेट नहीं थे के? अरे यार टॉयलेट बहुत दूर था घर से और हम बहुत दूर खेल रहे थे और यार उस वक्त मुझे बहुत जोर से लगी थी तो मैं क्या करता यार सिंचन। और असली बात तो इसके बाद है, ओए यार ये चला गया झाड़ियों के पीछे छुपने के लिए नहीं, छुपते छुपते हंकने के लिए। ओए यार और उसी वक्त ओली आ गई। उस दिन से मैंने होली के साथ एक महीना तक बात नहीं किया और एक महीना तक अपना चेहरा भी नहीं दिखाया। ओए बिल्कुल यार ये एक महीना तक अपने घर पे एकदम पड़ा रहा और यार बाद में एक महीने के बाद ओली आ गई इसको मिलने के लिए, तभी जाके ये लोग फिर से बोलने लगे। ये तो यार शर्मा के यार एकदम, यार कभी खेलने नहीं जाता उस दिन से, लेकिन एक महीने के बाद एकदम ये फिर से खेलना चालू हो गया इसका। यानी कि बिचारी है कि कल के तो बैट ही बच गए थे। हाँ यार बिल्कुल बैट बच गया था ना मेरा। ओ यार इतना बैट बच गया था कि इसका, ओ यार उस दिन से ये हंगना भूल गया था। हे बोली तो कि कल हंग भी नहीं करती थी कि? ओए करता था लेकिन सिर्फ रात के 12 बजे जब पूरा गांव सो जाता था ना तब। यानी कि एक महीने तक हंगना रात को चली, एक महीने तक या फिर कल छुड़े रात को हंग दिया। अरे यार क्या बताओ अब। ओए मैं बताता हूँ, ये 3 हफ्ता तक रात के 12 बजे हंगने के बाद ये एक दिन यार दोपहर को हंगने बैठा था और उसी दिन ओए ओली मिलने के लिए आई थी इसको। हाँ यार और बोले तो ओली को उस दिन भी पता चल गया कि ये फिर से हंगने के लिए बैठा है और फिर से यार उस दिन से यार इसने रात को हंगना चालू कर दिया। बोले तो वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता यार। हाँ यार अब मेरी बेइज्जती तो मार दिया, लेकिन यार छोटे हुआ करते थे तो काफी मस्ती करते थे ना हम। मुझे भी आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला, यानी लाइफ की वन ऑफ द बेस्ट मेमोरी तब होते हैं जब हम छोटे हुआ करते हैं। मैं तो चला अपने दोस्तों के साथ बोलने के लिए, मेरे दोस्त लोग मैं आ रहा हूँ।